सलमान खान की पिछली फिल्म किसी का भाई किसी की जान बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर ठप हुई और ऐसे में खबरें हैं कि सलमान खान अपनी इमेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और एक्शन फिल्मों के अलावा कुछ नए टॉपिक्स पर काम करना चाहते हैं। सलमान खान ने तय किया कि वो गुडविल के चक्कर में और फिल्म की कास्ट को ओवरलोड नहीं किया करेंगे, इसके साथ स्ट्रगलर से भी थोड़ा दूरी बनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब सलमान खान कुछ अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में है और ऐसे में सलमान खान अपनी एक और फिल्म को लेकर दोबारा से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हाँ, सलमान खान के लिए सही स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं कि वो एक एक्शन पैक और ड्रामा फिल्म ही करनी है। वेल, आपको बता दें कि अब सलमान खान कुछ अलग फिल्मों में हाथ आजमाना चाहते हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त पहले सलमान खान और संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन सेट पर दोनों की अनबन हुई और ऐसे में इस फिल्म को बंद कर दिया गया। पर अब कहा जा रहा है कि सलमान खान अपने करियर में कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं और इसलिए इस साल के अंत में इंशाअल्लाह को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ सकती है। कहा जा रहा है कि पहले तो दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये फिल्म अटक गई थी, लेकिन अब सलमान खान और संजय लीला भंसाली ने फिल्म के लिए दोबारा से हाथ मिला लिया है और इस फिल्म में सलमान के साथ आपको आलिया भट्ट नजर आने वाली है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल के एंड तक एक बार फिर से अनाउंस कर दी जाएगी, जहां कुछ इंटरव्यूज में सलमान खान और संजय लीला भंसाली खुद इस बात की इशारा कर चुके हैं कि वो फिल्म इंशाल्लाह पर दोबारा काम कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से इसका ऑफिशियल ट्रेलर कर इस फिल्म के आने पर मुहर लगा दी जाएगी। आप कमेंट करके बताइए कि बड़े पर्दे पर आप फिल्म इंशाल्लाह को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।